इतनी है कि औरंगाबाद शहर की जो कार्यकारिणी डिक्लेयर हुई है, ये कार्यकारिणी के अंदर जो है तो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जो तो पार्टी के अंदर शोषण किया गया है, ये सभी तबके के साथ में किया गया है, ना कि युवा के वर्ग के साथ में किया है, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनका भी किया गया है। और ये लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिसने कांग्रेस के गांधी भवन के अंदर कभी सीढ़ी तक नहीं चढ़ी, ऐसे लोगों को पार्टी का कोष अध्यक्ष बनाया जा रहा है। संचैती जो पार्टी के सबसे की पोस्ट दी गई है वो संचैती साहब के कोष अध्यक्ष की पर, जो संचैती साहब के नाम पे दी गई है, जिन्होंने गांधी भवन की आज तक की सीढ़ी तक नहीं चढ़ी है। वो सर्वपक्ष शिवसेना में रहते हैं वो कम, और आप सब पत्रकार हैं, आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता है उसके बारे में। जी, मेरा नाम मसरूर खान है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अंदर जनरल सेक्रेटरी रहा पिछले टर्म में, और कांग्रेस के साथ मेरा 12 से 13 साल का कार्यकाल रहा है। मैं असेंबली लेवल पे से लेकर जिले लेवल पे, उसके बाद प्रदेश पे काम किया हूँ। प्रदेश पे अच्छा काम करने के उसमें जो है तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी ने एलिबिलिटी दी थी, और मैं सब पूरे महाराष्ट्र से 4,500 वोट लेकर जो है तो मैं चौथे स्थान पे रहा। मैंने प्रदेश पे काम किया हूँ, मैंने नेशनल पे काम किया हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी को और अपने भारत देश को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है तो मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ रशिया के अंदर। और इसके बावजूद कुछ दिन पहले, एक से डेढ़ महीना पहले जो तो हमारे निरीक्षक एडवोकेट मुजाहिद साहब का दौरा औरंगाबाद में हुआ था, उस दौरे के अंदर सारे लोगों को बुलाया गया था, जिसमें पार्टी के सीनियर लोग भी थे, जिसमें इब्राहिम पठान साहब थे, एडवोकेट अकरम साहब थे, माजी शहर अध्यक्ष हमद चौस थे, इन लोगों और प्रदेश के सदस्य खालिद पठान साहब थे, इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमारे शहर अध्यक्ष जो जिनको अनुभव नहीं है कांग्रेस पार्टी का शहर का, तो इनको बताया था कि ये युवा लोग हैं, इनको साथ में लेकर आप काम करो, और पार्टी की मजबूती के लिए भी हमने शहर लेवल पर काम करने के लिए हमें उसकी अपनी राजी मंजूर दी है कि इससे संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होंगी। जिन लोगों को हमने हमारे उसमें अपॉइंट किया है, वो लोगों को सर चिटनीस उपाध्यक्ष ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, और जो पार्टी को आगे लीड कर रहे हैं इन फ्यूचर में लीड करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो है तो पार्टी के अंदर सदस्य बोल के इनको रखा जा रहा है। इससे हमारा मनोबल भी कम हो रहा है, दूसरी बात यह है कि जो हमारे में स्किल है, हमारे में जो काबिलियत है, जो हमारा जो हम पार्टी को दे सकते हैं ना, ये इसको कट करके ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो कांग्रेस के अंदर ना कोई प्रोटेस्ट में दिखाई देते हैं, ना कोई पार्टी की एक्टिविटी में दिखाई देते हैं, किधर नहीं दिखाई देते, और उनको ऐसी की पोस्ट दी जा रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कांग्रेस के सच्चे वर्कर जो हार्डकोर लोग हैं, जिन्होंने 20-22 साल से योगदान दिया है, ऐसे लोगों को भी इसके अंदर साइड में रखा गया है। तीसरी बात यह है कि अगर युवा पीढ़ी को जो काम जिसने प्रदेश और नेशनल लेवल पे काम किया है, ऐसे लोगों को अगर आप मौका नहीं देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप पार्टी का शोषण कर रहे हैं, ना कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर कभी इनका इससे पार्टी को बहुत नुकसान आता है, इसके अंदर जो है तो दलित अगर कभी ये पार्टी के लिए सोशल इंजीनियरिंग इन्हों जैसा कंसेप्ट बता रहे कि मैंने सोशल इंजीनियरिंग किया हूँ करके, तो कार्याध्यक्ष इन्होंने इसमें कार्याध्यक्ष भी दो कार्याध्यक्ष डिक्लेयर करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहर जो अकलियत का शहर है, अकलियत का अगर कांग्रेस पार्टी ने शहर अध्यक्ष दिया है, तो कार्याध्यक्ष एक मराठा समाज और एक दलित समाज के लोग को एक को दो प्रतिनिधि देना चाहिए, ये सही मायने में पार्टी की जो है तो सोशल इंजीनियरिंग होगी। अगर आप एकला चलो अगर अभियान लेके चलेंगे, तो एकला चलो अभियान से ना कि आने वाले चुनाव महानगर पालिका असेंबली चुनाव के अंदर इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान ही होगा। आप कांग्रेस पार्टी नहीं, शहर ये कार्यकारिणी डिक्लेयर कर रहे शहर अध्यक्ष है ना साहब, शहर अध्यक्ष है इनके, शहर अध्यक्ष है ईशान उस्मानी साहब, इनके पीछे जो लॉबी काम कर रही है, जिसने जो ग्रामीण से आते है, जो अभी तक जिन्होंने शहर का
वो शहर को लीड नहीं किया, ऐसे लोग जो है तो पीछे से बैठ के काम कर रहे हैं। दे सकते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, तो शहर में भी दे सकते हैं वहाँ पे प्रदेश पे दलित मुस्लिम ओबीसी बहुजन समाज है जो ये वंचित समाज है उनको पूरा कार्याध्यक्ष बोल के पूरा टोटल एडजस्ट किए ना उसका बोले पार्टी फोरम पे कमेटी में आना आपको लेना करके ऐसा ये सारी चीजें आपको पता है जी। ये कभी तो नाना पटोले के पास या जो भी यहाँ के लोग है ये ऐसा होगा साहब, अभी तक तो पता ही नहीं था जो यहाँ के निरीक्षक है। आपको मसूर खान साहब को सदस्य बनाए इसलिए गुस्से में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं 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 साहब ऐसा बात नहीं है। सदस्य विषय क्या हुआ सब यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हर कास्ट को लेके चलना जी साहब, तो वो कार्यकारिणी को ऐसा लग रहा है। अच्छा कार्यकारिणी के अंदर सिर्फ नाम के लिए ले गए या जिन्होंने काम किया गया उनको भी लिया जाएगा ये बोल सकते आप? जिन्होंने कहा जो पार्टी के साथ जुड़े हैं तो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को काम मौका देना चाहिए। कार्यकर्ता है इसमें।